बुलंदशहर में लोगों से धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अशोक नाम के दो व्यक्ति लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच देते थे और फिर पैसा हड़प लेते थे। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थाने में कई मामले भी दर्ज हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस की टीम ने आरोपी की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की है। वहीं साथ ही जिला स्तर पर आरोपियों को अपराधी माफिया घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान SDM और अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। ये अपराधियों के विरुद्ध शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में स्याना थाना अंतर्गत माफिया में चिन्हित और टॉप 10 में चिन्हित अशोक नामक दो व्यक्ति, जो उसी दोनों का नाम अशोक है, एक बहादुर थाना जिला हापुड़ का रहने वाला है, दूसरा नरसिंहा थाना जिला मंदसौर का रहने वाला है। इनको इनके विरुद्ध गैंगस्टर समुदाय की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर संपादित की गई।